हेलो व्यूअर्स, एटीएस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं चिकन हांडी बनाने जा रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह नींबू लगा के वॉश कर लिया है। नींबू लगा के 2 मिनट छोड़ के फिर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। नींबू से धोने से चिकन जो है अच्छी तरह बाइंड होता है और ये पकाने के प्रोसेस में टूटता नहीं है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। 2 प्याज पीस लिया है और साथ में 4 टीस्पून लहसुन पेस्ट, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 4 हरी मिर्च पीसी हुई और साथ में 2 टमाटर। अब इसमें जो है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून भर के दही, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। अगर आपके पास वक्त है तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के 1 से 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आधा घंटा भी काफ़ी है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक पेस्ट भी ऐड करें, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के मैं एक तरफ 1/2 आवर के लिए इसे रख दूंगी। मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता। इनके लाल होते ही मैं इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, चॉप्ड अनियन, और इसे ब्राउन करना है अच्छी तरह। प्याज के ब्राउन होने पर हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये दही, प्याज पीसा हुआ, टमाटर, इन सब चीज़ों का पानी खुद ही इतना रहेगा कि इसी पानी में सारा चिकन पक जाएगा। तो इसे कढ़ाही में डालने के बाद 5 मिनट ढककर तेज़ आंच पर, और बाकी के 15-20 मिनट लो टू मीडियम हीट पर हम इसे पका लेंगे, जब तक कि सारा मसाला सूख ना जाए। चिकन को बीच बीच में खोलकर मैं चलाती रहूँगी ताकि ये जो चिकन का मसाला है वो पैन में नीचे लगे नहीं, तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है। चिकन को 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे पकाने के बाद हम इसे इसका आंच तेज़ कर देंगे और सारा मसाला सुखा लेंगे। चिकन का सारा मसाला सूख गया है और तेल किनारे से नज़र आने लगा है। अब मैं इसे धीमा कर रही हूँ और दम पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। चिकन को दम पे रखे 5 मिनट हो गए, चिकन पूरी तरह से बन गया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी और इसे 1 से 2 मिनट और चूल्हे पर रख कर बंद कर दूंगी और डिश आउट करके आपको दिखाऊं। चिकन हांडी बनकर तैयार है। इसे इस तरह से डिश आउट करके सर्व करें, पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।